थोड़ा केयरफुल रहना निफ्टी में, बेरिश है ये मान के पुट ले लिया है, इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए आपको इस आपके लिए निफ्टी में कल के हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, किस तरह से स्ट्रैटेजी रहेगी, इन सारी बातों को जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने आज देखा निफ्टी में एक बड़ा फॉल आया, 246 पॉइंट का नेगेटिव क्लोज दिया हुआ है, गैप डाउन था, देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन बिकॉज ऑफ द न्यूज, ईरान इजराइल था। और चलो न्यूज को एक बार छोड़ दो, हमारे हिसाब से तो चार्ट ही बैरिश था। मैं तो सच कह रहा हूँ कि हम कभी न्यूज को देखते ही नहीं। हाँ न्यूज आती है तो थोड़ा एक बना दें कि भाई चलो यार नेगेटिव न्यूज है, बाकी हम सिर्फ हमारे चार्ट को फॉलो करते हैं। आज का मेरे जो 7600 प्लस का प्रॉफिट है, आप वो प्रॉफिट का वीडियो भी देखना, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिया है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट, ऐसा नहीं कि चलो इसराइल ने ईरान के ऊपर, ईरान ने इसराइल के ऊपर बम फेंका है, कुछ धमाका किया है, चलो पुट बाय कर लो, गिरेगा जबर, नहीं। वी हैव टू वेट फॉर अवर स्ट्रैटेजी, और जब हम हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही वेट करने के बाद सही एंट्री बनाते हैं तो डेफिनेटली पैसा बनता है। अगर आप इस बात से अग्री करते हो तो प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मेरा ध्यान खींच रही है। नंबर वन, यहाँ पे ये तीन कैंडल के बीच एक बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट हुआ था। आपको बताया मैं तीन कैंडल के बीच की जो गैप की बात है वो आज दिन अपनी स्ट्रेटजी में करता हूं बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे गैप बड़ा है तो यहाँ पे दो चांसेस थे, एक कि यहाँ पे 50% लेवल पे आके, क्योंकि गैप बड़ा था, वापस ऊपर की तरफ चला जाए, या दूसरा चांस है जो मैंने इनफैक्ट मेरे कल के वीडियो में भी कहा था कि 22,195 या तो 188 जहां पे यहाँ का हाई बना हुआ है 193 तक, यहां तक आया और यहां से एक बाउंस बैक लिया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। आज ह्यूज गैप डाउन के बाद एक बेरिश नोट पे निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है। कल गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के 60-70 पॉइंट्स डाउन जाए और 22,272 के आसपास एक हल्का सा कोई बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाए तो समझ जाना कि ये अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब यहां पे एक रिस्क और भी है, देखिए दिस इज रीजन नंबर वाई यहां से ऊपर जा सकता है। रीजन नंबर टू, बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि वाई इट हैज टू गो अप। अब आप ये देखिए थर्सडे फ्राइडे और मंडे, मतलब कि आज का कैंडल, इन तीन कैंडल के बीच यहां पे एक बैरिश गैप बना हुआ है। ये तीन कैंडल के बीच, ये वाली, ये ऊपर वाली ग्रीन, ये और ये, इसका लो यहां पे, इसका हाई यहां पे, इन तीन के बीच एक एक गैप क्रिएट हुआ है और वो भी अपने आप में एक बड़ा गैप है। तो चांसेस क्या है, अगर अगर निफ्टी को बैरिश जाना ही है, एक चांस है कि 22,551 पे जाए, वहां से वापस रिजेक्ट होकर नीचे आए, या तो 22,671 तक जाए, पूरा गैप फिल अप करे और फिर वापस से नीचे की तरफ आ जाए। इस बीच आज का जो हाई बना है 22,427, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आज का लो और क्लोज उसके बीच ज्यादा फर्क नहीं है, चलो लो को यहां पे मार्क कर लेते हैं, राइट। ये लेवल्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर इन लेवल के आसपास अगर ट्रेड करोगे, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, जो रेक्टेंगल है, उन स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेक गुड ट्रेड्स, गुड मनी। अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया लगा हो, एक बार गाइज एक बार टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। बाकी आर्ली चार्ट के अंदर अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे भी एक छोटा सा लेवल बन रहा है और वो अपने आप में एक बड़ा लेवल है, विच इज 22,500। ऊपर की तरफ हमारे लिए लेवल है 308 के आसपास का, एक लेवल बन रहा है 272 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे 352 पे एक लेवल बन रहा है, उसके बाद 428, उसके बाद 502, और उसके बाद यहाँ पे एक लेवल बन रहा है जो बन रहा है 612 के आसपास। अगर नीचे की तरफ हम बात करें तो 195 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक लेवल बन रहा है विच इज 22,094, और 094 के बाद 22,000 का बिग राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। सो इन लेवल के आसपास अपना ट्रेड बनाना, इनके आसपास अपनी प्लानिंग करना। वीडियो कैसा लगा हो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, गॉड ब्लेस यू, और कमेंट करना ना भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।